जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने कश्मीरी मुसलमानों को लेकर एक ऐसी बात कही है जिस पर नेता, धर्मगुरु और इतिहासकार तीनों को बोलने का मौका मिल गया है। जहां गुलाम नबी आजाद ने डोडा जिले के थाथरी में पब्लिक मीटिंग की थी, उन्होंने उस दौरान कहा कि हिंदू धर्म इस्लाम से बहुत पुराना है। सभी मुसलमान पहले हिंदू थे, भारत में मुसलमान हिंदू से धर्मांतर करके बने। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीर में सभी मुसलमान कश्मीरी पंडितों से धर्मांतरित हुए। कश्मीरी मुसलमानों का जन्म हिंदू धर्म में हुआ है। गुलाम नबी आजाद खुद कश्मीरी मुसलमान है, पुराने नेता भी हैं, इसलिए बयान पर तुरंत राजनीति शुरू हो गई। मामला धर्म से जुड़ा है, इसलिए धर्म गुरु भी अखाड़े में उतर आए। समर्थन और विरोध में बयानबाजी होने लगी। आजाद साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्यों कहा, किसको खुश करने के लिए कहा, ये तो आजाद साहब ही कह सकते हैं ना, मैं नहीं कह सकता हूँ। गुलाम नबी आजाद का पहले आप पूरा बयान सुन लीजिए। आप देखिए कैसे गुलाम नबी आजाद ने बयान में कहा है कि मैंने पार्लियामेंट में बहुत चीजें कही जो आप तक यहाँ नहीं पहुंची। हमारे एक नेता ने कहा था कि कुछ लोग बाहर से आए थे, मैंने कहा कोई अंदर या बाहर से नहीं आया, भारत में इस्लाम तो आया ही 1500 साल पहले है, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 जो मुगलों की फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हो गए मुसलमान हिंदुस्तान में। उसकी मिसाल हमारे कश्मीर में है। कश्मीर में कौन था 600 साल पहले? सब कश्मीरी पंडित थे, सब मुसलमान बन गए, सब इसी धर्म यानी कि हिंदू धर्म में ही पैदा हुए। जरा आप भी सुनिए उनका ये बयान, उसके बाद आपको इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे कि आखिर इन दावों में कितनी सच्चाई है, एकदम फैक्ट के साथ। सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए। हमारी हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे आपसे कहूंगा कि आज इस 9 अगस्त की अहमियत को देखकर हमने हिंदू मुसलमान मिलके राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कश्मीरी, गुज्जर मिलके सबने इस घर को बनाया। ये हमारा घर, यहां कोई बाहर से नहीं आया, यही इसी मिट्टी की पैदावार, इसी मिट्टी में खत्म हुआ। मैं पार्लियामेंट में बोला बहुत सारी चीजें जो यहां आपको नहीं पहुंचती। हमारे बीजेपी के किसी लीडर ने बताया कि भाई कोई बाहर से आए हैं, कोई अंदर से आए। मैंने कहा देखो अंदर बाहर से कोई नहीं आया। हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम सिर्फ वैसे पूरा इस्लाम तो आया ही है 1500 साल पहले, हिंदू धर्म बहुत पुराना है, तो बाहर से आए होंगे 10-20 वो जब मुगलों के वक्त में उनकी फौज में थे, बाकी तो सब हिंदू से ही कन्वर्ट हुए हैं मुसलमान हिंदुस्तान में। और उसकी मिसाल हमारी कश्मीर में, कश्मीर में कौन था 600 साल पहले मुसलमान? सब कश्मीरी पंडित थे, सब वही इस्लाम कर गए, बन गए। तो मैंने कहा सब इसी धर्म में पैदा हुए। हमारे हिंदू भाई मरते हैं, वो जलते हैं, जलाते हैं, उसके भाई उसके बाद उनको दरिया में डालते हैं अलग अलग जगहों में, तो हमारे पांव में पानी हमारे पी जाते हैं उसको। तो देखा कैसे गुलाम नबी आजाद ने हिंदू मुस्लिम धर्म पर यह टिप्पणी कर एक बड़ा बवाल छेड़ दिया है, जिस पर अब राजनीति गर्म हो चुकी है। राजनीति और धर्म अपनी जगह है, लेकिन गुलाम नबी आजाद जैसे पुराने और मंझे कश्मीरी नेता के बयान का सिर्फ सियासी बयान कहकर खारिज किया जाना सही नहीं होगा।
आजाद ने अपनी बात कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ रखी है। उनका पहला तर्क है कि इस्लाम दुनिया में 1500 साल पहले आया, जबकि हिंदू धर्म इससे कहीं ज्यादा पुराना है। आजाद ने दूसरा तर्क जो दिया है वो ये है कि भारत में मुसलमान मुगलों की फौज में आए, जो कि एकदम सही है, उनकी संख्या काफी कम थी। आजाद का तीसरा तर्क यह है कि मुगलों के आने के बाद हिंदुओं ने कन्वर्ट होकर इस्लाम धर्म अपनाया। कश्मीर के संदर्भ में आजाद ने कहा कि कश्मीर में 600 साल पहले सभी पंडित थे, जो बाद में धर्म बदलकर मुसलमान बन गए। गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर के 600 साल पुरानी बात का जिक्र किया। आखिर में अब इस पूरे मामले पर इतिहास क्या कहता है, चलिए एक नजर उस पर डाल लेते हैं। इस तरह मामले में इतिहास की एंट्री हो गई। हम ये समझना चाहते थे कि आजाद के इस बयान का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है। जब हमने इसे लेकर रिसर्च करना शुरू किया तो कुछ पुराने दस्तावेज सामने आए। कश्मीर में हिंदू से मुसलमान बने लोगों के संदर्भ में दो बड़े नाम सामने आए। पहला अल्लामा इकबाल और दूसरा फारूक अब्दुल्ला। जी हाँ, चौंकिए मत, फारूक अब्दुल्ला जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के और आज भी जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेताओं में से एक में से गिने जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी उन्हीं में से एक हैं जो पहले पंडित थे, बाद में मुस्लिमों में कन्वर्ट हो गए। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने सन 2007 में द ट्रिब्यून में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा गीत निखरे वाले अल्लामा इकबाल को लेकर कुछ फैक्ट बताए थे। खुशवंत सिंह ने लिखा है कि अल्लामा इकबाल के पूर्वज कश्मीरी हिंदू थे। उनके परदादा बीरबल सप्रू थे। बीरबल सप्रू के तीसरे बेटे कन्हैया लाल अल्लामा इकबाल के दादा थे। उनकी दादी का नाम इंद्राणी सप्रू था। इकबाल के पिता रतन लाल इन्हीं के बेटे थे। खुशवंत सिंह ने यही अपना लेख खत्म नहीं किया, उन्होंने आगे लिखा है कि रतन लाल का जन्म हिंदू परिवार में हुआ, बाद में वो इस्लाम कबूल करके नूर मोहम्मद बन गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला खुद कई बार कह चुके हैं कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। हाल ही में उनका एक बयान भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कश्मीर कश्मीरी पंडितों के बिना अधूरा है, वो खुद आधे पंडित हैं। फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला कश्मीर के बड़े नेताओं में से एक थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी आतिशे चिनार में शेख अब्दुल्ला ने अपने हिंदू पूर्वजों के बारे में खुद बयान दिया है। आतिशे चिनार में शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि उनके पूर्वज कश्मीरी पंडित थे। उनके परदादा का नाम बाल मुकुंद कौल था। उनके पूर्वज मूल रूप से सप्रू गोत्र के कश्मीरी ब्राह्मण थे। किताब के मुताबिक अफगान शासन काल में उनके पूर्वज रघुराम ने एक सूफी के हाथों इस्लाम कबूल किया था। वैसे फारूक अब्दुल्ला कई बार सार्वजनिक मंचों से ये बात कबूल कर चुके हैं कि उनका हिंदू धर्म से नाता रहा है। उन्हें कई बार मंदिरों में सांस्कृतिक विधि विधान से पूजा करते हुए भी देखा गया है। हमारे लिए गुलाम नबी आजाद के बयान पर सिर्फ इतना रिसर्च काफी नहीं था, हमने इतिहास की किताबों के पन्ने भी पलटे तो हमें राइटर सुमंत्र बोस की किताब कश्मीर एट द क्रॉस रोड्स मिली। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रह चुके सुमंत्र बोस ने लिखा है कि कश्मीर में इस्लाम का प्रसार 600 साल पहले 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कश्मीर में तीन लोगों सैयद अली हमदानी, शेख नूरानी और जैनुल अबिदीन ने इस्लाम को तेजी से फैलाया। ईरान से सूफी संत मीर सैयद अली हमदानी 1317 से 1380 के बीच तीन बार अपने अनुयायियों के साथ कश्मीर आए थे। इनमें से कई कश्मीर में रुक गए थे, हालांकि कश्मीर में से वापस अपने देश नहीं गए थे। शेख नूरुद्दीन नूरानी ने 1400 से 1440 के बीच इस्लाम को फैलाया। यह भी एक दिलचस्प बात है कि कश्मीर में शेख नूरुद्दीन नूरानी को नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। कश्मीर में इस्लाम का सबसे तेज प्रसार 15वीं शताब्दी में सुल्तान जैनुल अबिद्दीन के वक्त हुआ। जैनुल अबिद्दीन ने कश्मीर पर 1423 से 1474 तक शासन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन गए। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिए गए ये फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे और आप समझ गए होंगे कि कैसे न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे भारत में जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं
वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हिंदू हुआ करते थे। जब मुगल यहाँ आए तो मुगल कुछ ही संख्या में आए थे, लेकिन अब यहाँ पर उनको अपनी संख्या बढ़ानी थी तो उन्होंने एक सीधा सा षड्यंत्र रचा, हिंदुओं को मुस्लिमों में बदलना शुरू किया और बाद में उन्हीं मुस्लिमों के द्वारा अपनी तादाद बढ़ाई और भारत पर कब्जा कर लिया। ऐसे में गुलाम नबी आजाद का जो बयान है वो पूरे भारत के मुस्लिमों को सुनना चाहिए और अपना इतिहास जानना चाहिए। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।